पाकिस्तान दौरे से लौटी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद के दोनों सदनों में पाकिस्तान दौरे को लेकर बयान देंगी। जयललिता ने प्रधानमंत्री से की सिविल सेवा परीक्षाएं स्थगित करने की अपील। दिल्ली में नितिन गडकरी ने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक पहल करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने सांसदों को बैटरी वाली दो बसें भेंट करने का फैसला किया है। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर टेलीकॉम ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी देते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि टावरों को ढूंढना उनका काम नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने चेन्नई के थारामनी में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब को पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया। दिल्ली के शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेलवे कर्मचारियों की कार्रवाई के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। सीएम केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी इस मुद्दे पर बात की। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में बताया कि रेल मंत्री खुद इस कार्रवाई से बेखबर है। दिल्ली में झुग्गियां हटाए जाने के मामले में रेल मंत्रालय का कहना है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर 1966 की है जिसमें नेताजी लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार महिलाएं चुनी गई पार्षद। नगर परिषद चुनाव में 5 महिलाओं ने मारी बाजी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर नाकेबंदी के कारण नेपाल का सुनहरा ख्वाब खासा प्रभावित हुआ है। आईएस ने ब्रिटिश सांसदों की हिटलिस्ट बना ली है जिसके चलते सांसदों के घरों और संसदीय क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी संगठन जमात उल दावा के चीफ हाफिज सईद ने भारत को खुली चुनौती दी है। हाफिज ने कहा कि मुंबई हमले में भारत कयामत तक उसकी भूमिका नहीं साबित कर पाएगा। रूस के मनोरोग अस्पताल में आग लगने से 23 की मौत हो गई। वह कड़ी मशक्कत के बाद 440 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बुरुंडी में भारी हिंसा में करीब 90 लोगों की मौत हो गई। राजधानी बुजुम्बुरा में हुई हिंसा में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। प्रो रेसलिंग लीग में यूपी वॉरियर्स से 1-6 से हार हो गई। पंजाब रॉयल्स ने यूपी वॉरियर्स को 6-1 से कड़ी मात दी। जौनपुर के खेतासराय इलाके में एक पति ने पत्नी के वापस घर न लौटने पर नाराज होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। मुरादाबाद के थाना कुंदर की क्षेत्र में बुलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। बुलेरो में रामपुर शहर कोतवाली के कोतवाल और 2 सिपाही मौजूद थे। हादसे में दोनों सिपाहियों की मौत हो गई। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के खूनी पुल पर इंडियन बैंक में ड्यूटी पर सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बिजनौर में तेजी से आ रहे खनन से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बांदा के विसंडा इलाके के कोरही गांव में 31 वर्षीय महिला प्रधान प्रत्याशी जुबैदा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शाहजहांपुर में रोडवेज की बस ने सड़क किनारे जा रही बारात को रौंद दिया जिसमें 5 बारातियों की मौत हो गई। फरुखाबाद के खन्नी नगला में प्रेमिका के घर सोए ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी गई। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके के एक महिला ने 3 युवकों पर चलती कार में रेप करने का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएमओ और सपा के नेता को गोली मारकर मौत के नींद सुला दिया गया। बसपा नेता की भी दबंग प्रधान पुत्रों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुगलसराय जंक्शन पर बीती रात पारमेर एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर बवाल किया। रेलवे की दुर्व्यवस्था से नाराज दर्जनों रेल यात्री ट्रैक पर उतर गए और जोधपुर से हावड़ा जा रही जोधपुर एक्सप्रेस को 2 घंटे से ज्यादा देर तक रोके रखा। फिरोजाबाद के सिरसागंज के एक क्षत्रिय इंटर कॉलेज में मतगणना के दौरान प्रधान पक्ष के 2 गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हो गया। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड पर एक बेकाबू डीसीएम ने ऑटो में टक्कर मार दी जिसमें ऑटो सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सहारनपुर में पार्किंग विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। नैनीताल की माल रोड में एचडीएफसी बैंक और नैनीताल बैंक से लगे मोहित चाट भंडार के किचन और लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।